अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइफ विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे शाही बिरयानी। चले फिर स्टार्ट करते हैं। शाही बिरयानी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे लेंगे हम हाफ 1 kg चिकन, गरम मसाला साबुत वाला, और 1/2 कप दही, 1/2 कटी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, 1 tablespoon कुटी लाल मिर्च, 1 tablespoon काली मिर्च, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 2 tablespoon नमक, इमली का पल्प, यहाँ पे लिए 1/2 कप, यहाँ पे हमारा पुदीना, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया साबुत। अब हम ऑयलिंग कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। 1 कप यहाँ पे हमने ऑयल डालना। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमने थोड़ा, अब हम हल्की आंच पे प्याज को ब्राउन करेंगे, यानी तेज़ आंच पे प्याज को ब्राउन कभी ना करें, क्योंकि इससे हमारा प्याज ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए कि हमारा प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साबुत वाले गरम मसाले डाल देंगे। यहाँ पे जीरा है, काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं और तेज़पात है, और इसके अलावा हमारे पास जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी। और अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की अच्छे से हमने बुनाई करनी है। कुछ लोग चिकन की ज़्यादा अच्छे से बुनाई नहीं करते, लेकिन बिरयानी में अगर चिकन की बुनाई अच्छे से हो तो फिर ही इसका टेस्ट आता है। तो हमने थोड़ी सी देर तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई की। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर काट दिया। अब इसके भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई काट लेंगे। तो अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के हमने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए। तो अब इसकी बुनाई हमेंगे, साथ ही इसमें जाएगी सब्ज मिर्च। अब हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से बुनाई होने के बाद हम दूसरे मसाले डाल देंगे। इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा गरम मसाला। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो चिकन है उसमें सारी मसाले वगैरह जज़ब हो जाए। चलिए जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनेगी। बाज़ार से बेहतर हमारी घर पे शाही बिरयानी बनाएंगे हम आज। हम तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इन सब चीज़ों को इसमें दही ऐड करेंगे। दही का भी एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा और यम्मी सा टेस्ट आता है। इसलिए आप अगर आप कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं या इसके अलावा आप बिरयानी बना रहे हैं तो आप इस दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने दही डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बुनाई की थी। अगर हम एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएंगे तकरीबन, और अगर हमने टमाटर और लाल सब्ज़ मिर्च डाली उसे भी हमने 2 मिनट का टाइम दिया, उसके बाद हमने दूसरे मसाले डाले उसे भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम दिया, दही डाला, इस तरह टोटल टाइम मिला के टोटल टाइम को मिलाएँगे तो हमारे 10 से 15 मिनट लगेंगे गोश्त की बुनाई में। उसके बाद हमने इसमें इमली का पल्प डाल दिया था। अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन, अगर आपने चावल लेंगे 1 गिलास तो आप पानी 2 गिलास डालें। तो पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को आप यही कोशिश किया करें कि चावल को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले ही भिगो के रखें। इससे हमारे चावल तो एक बहुत ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। तो मिक्स कर लेंगे, हाँ एक दफ़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो अब इसमें जाएगा गरम मसाला, बिरयानी मसाला इसमें जाएगा। हमने बिरयानी मसाला यहाँ पे डाला है, 1 टी स्पून डाला है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल, अगर आप कम कर रहे हैं पसंद तो कम डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया। तो एक दफ़ा हम फिर से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे रख देंगे दम पे तकरीबन 5 मिनट तक। तो दम पे अभी 2 से 3 मिनट हुए थे, इसमें मैंने डाल दिया था सब्ज़ धनिया और पुदीना। तो ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चावल कितने से ज़बरदस्त से बनेंगे, खिले खिले से चावल बने हैं।
साथ यहाँ पे सलाद लेंगे, रायता लेंगे। आई होप आज की वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल अभी तुम उसके उनको सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल आइकन को बटन प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि इससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाते, ताकि रमज़ान स्पेशल में जितनी न्यू वीडियो अपलोड होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।